तो फ्रेंड्स फ्लाइट मोड या फिर एयरप्लेन मोड हम सबके मोबाइल फोन में होता है और हम उसे बहुत ही कभी भी बिल्कुल यूज करते ही नहीं है या फिर उस पर ध्यान देते ही नहीं, या फिर ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उसे यूज कैसे करना है और इसका फायदा क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, एयरप्लेन मोड के चार ऐसे एडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा, चार ऐसे फायदे के बारे में बताऊंगा जो कि आपके काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर। तो मेरा नाम है साथ, आप देख रहे हैं चैनल टेक में साथ। चलिए देखते हैं सब इस इंट्रो के बाद। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एयरप्लेन मोड होता क्या है। तो एयरप्लेन मोड असल में करता क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी नेटवर्क होते हैं जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, सिम वगैरह, सबके नेटवर्क को वो जो है बंद कर देता है और सबके नेटवर्क स्टॉप करता है ताकि आपके मोबाइल फोन जो है बिल्कुल भी उससे कोई भी नेटवर्क ऑन ना रहे। तो ये काम होता है एयरप्लेन मोड का। ज्यादातर लोग जो है इसे एयरप्लेन में यूज करने के लिए कहते हैं क्योंकि एयरप्लेन में आप जब बैठेंगे तो आपको वहाँ पे पहले ही का बता दिया जाता है कि आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें या फिर अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे कर लें। तो ये एयरप्लेन मोड पे इसलिए किया जाता है ताकि आपके नेटवर्क जो है सारे ब्लॉक हो जाएं। तो अब जो है हम इसे नॉर्मल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे कैसे हम फायदा ले सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहला फायदा ये है कि आपको बहुत सारी कॉल्स वगैरह आ रही हैं या फिर आप जो है बिला वजह के आपको कोई आप किसी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन पर और आपको नहीं चाहिए कि आपको कोई कॉल करे, मैसेज करे, आपको कोई तंग करे, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको सिम निकालने की भी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि बंदा सिम निकालेगा फिर दोबारा लगाएगा, इससे काफी प्रॉब्लम हो जाती है, काफी टाइम वेस्ट भी होता है। तो आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड में लगा दें। ज्यादातर मोबाइल फोन में एयरप्लेन मोड का ऑप्शन होता है या फिर फ्लाइट मोड लिखा होता है, तो आप फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल फोन है वो एयरप्लेन मोड पे रहेगा तो आपको कोई कॉल वगैरह नहीं आएंगी क्योंकि उस पर नेटवर्क जो है स्टॉप कर दिया जाएगा। तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे तो आप एयरप्लेन मोड का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट ये है कि अगर आपको मोबाइल की बैटरी को बचाना है या अपने मोबाइल को ज्यादा टाइम तक यूज करना है चाहते हैं और आप सिम का ज्यादातर यूज नहीं करते तो आप क्या करें, आप अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा दें और आप वाईफाई का यूज कर सकते हैं। होगा क्या, जब आप अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर लगाएंगे तो आपके नेटवर्क जो है बंद हो जाएंगे और इससे आपके मोबाइल फोन की बैटरी जो है थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब नेटवर्क जो है आपके मोबाइल फोन का जो सबसे ज्यादा जो चार्जिंग खत्म करती है वो होता है आपका मोबाइल का नेटवर्क। अब मोबाइल का नेटवर्क ही अगर आप बंद कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है चार्जिंग ज्यादा देर तक चलेगा और आप वाईफाई आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि वाईफाई ज्यादा चार्जिंग यूज नहीं करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ वाईफाई यूज करना है आप एयरप्लेन मोड पर लगाकर वाईफाई आराम से यूज कर सकते हैं और आपकी बैटरी लाइफ जो है काफी इंक्रीज हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर लगाते हैं तो आपका मोबाइल फोन जो है जल्दी जल्दी चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब आपको मोबाइल फोन जब जल्दी चार्ज होना शुरू हो जाता है तो ये सारे लोग ज्यादातर चाहते हैं कि अपने मोबाइल फोन को जल्दी से चार्ज कर ले। तो आपको अगर जब अपने मोबाइल फोन जल्दी चार्ज करना है, आप चाहते हैं कि मेरा मोबाइल फोन जल्दी चार्ज हो जाए, तो आपको मोबाइल फोन को बंद कर चार्ज पर लगाने की जरूरत नहीं बल्कि आप अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा दें। उसके बाद आप जब अपने मोबाइल फोन को चार्ज करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। तो आप जो है ऐसा भी कर देख सकते हैं कि जब आपको जल्दी चार्ज करना है तो आप अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर लगाएं और फिर उसे चार्ज करें। इससे काफी ज्यादा आपकी बैटरी जो है चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा और आपको काफी ज्यादा फायदा भी होगा। चौथा पॉइंट ये कि जब आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं जिसमें आपको वाईफाई का यूज नहीं करना है या किसी मोबाइल डेटा का यूज नहीं करना है तब आप अपने मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा सकते हैं। एयरप्लेन मोड पर लगाएंगे तो आपकी बैटरी टाइमिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब बैटरी टाइमिंग आपके मोबाइल फोन के ऊपर नेटवर्क और वाईफाई, जीपीएस ये सबका जो है परफॉर्मेंस का जोर नहीं होगा तो आपके जो है जो गेम है वो भी काफी अच्छी चलने लगेगी और आपकी बैटरी टाइमिंग भी काफी बढ़ जाएगी। तो चौथा फायदा ये है। अब लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो मोबाइल फोन में कॉल्स वगैरह हैं या एसएमएस वगैरह आना बंद हो जाएंगे, आपको कोई भी कॉल वगैरह नहीं आएगी, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।